नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां मंगलवार को शहर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान व पूर्व छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि नागौर जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष व दूसरे सरपंच प्रकाश वाकर थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता मकराना तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा ने की। वहीं वार्ड पंच मोहम्मद आजाद, CBEO अशोक कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य अब्दुल वहीद खिलजी, अकलियत जमात के सदर आसू गोरी, राधा वल्लभ व्यास, एडवोकेट अरविंद चोकड़ा, व्याख्याता धन्नाराम, सतीश कुलरी, मनोज सोलंकी, हेमंत भवानी, विमला चौधरी, रेणुबाला, जय वर्मा समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बाकर ने कहा कि बालिकाएं शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो सकेगी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को शिक्षित करने की बात कहते हुए विद्यालय की अध्ययनरत बालिकाओं को लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा ग्रहण करने की बात कही। इससे पूर्व समारोह का आगाज अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया गया। वहीं विद्यालय की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। विद्यालय में सहयोग करने वाले भामाशाह व पूर्व छात्राओं का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रेणु द्वारा विद्यालय की वर्ष भर की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान वार्डन पुष्पा चौधरी, अध्यापिका रेखा, आमना, विजय लक्ष्मी, परमेश्वरी, समीना, परवीन सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मकराना से कमल माथुर की विशेष रिपोर्ट।